रखना है। तो फिर सुनो, प्राचीन समय की बात है, शंकर शर्मा नामक एक भद्र पुरुष गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले ही वे शांति निकेतन में एक घर खरीदे थे। घर खरीदने के कुछ दिन ही बाद एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। 2100 किसी सदवी में भूत, ये तो चंबू की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता? बरामदे में हड्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है। डर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो। बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं अपने आँखों से भूत देखूँ। अगर मैं आपके उस घर में एक दो रात रह जाऊँ तो? ठीक है, कब जाना चाहते हो बताओ? अगला शनिवार को। इसके साथ कल ही अमावस्या है, चलिए आप और हम दोनों चलते हैं। ठीक है तो कल ही चलो। दूसरे ही दिन शंकर शर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे। वाह, आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारों ओर का परिवेश और सुंदर है। अरे नमस्कार शर्मा जी, आइए आइए आइए। कब आए? यही तो आज दोपहर में। साथ में वह कौन है? अरे मैं इनका दूर का संपर्क का भतीजा हूँ, शांति निकेतन देखने आया हूँ। वाह बहुत अच्छा, रहोगा ना 2-4 दिन? जी हाँ, 2-4 दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड्डा जमाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वही उस 3 तल्ला घर का मालिक है। कम से कम 300-400 एकड़ जमीन का मालिक है वह। घर बेचने वाले थे क्या, कोई खरीदने वाला मिला है? भुतहा घर बोलकर चारों ओर बात फैल गई है, फिर इसे कौन खरीदेगा बताओ? ऐसे दुबे जी ने तो खरीदने की बात कही थी हमसे, लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है। घटना उस समय के लिए तो टल गई, लेकिन उसी दिन रात में अरे बाप रे बाप, आपके घर खरीदने के कुछ पहले ही सांप डसने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वह एक पागल था, उसका श्राद्ध अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किए। लगता है मर कर के भी वह पगलामी करता है। जो भी हो थोड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं चलता हूँ। अंत में यहाँ पागल भूत। भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो, किसी के घर में तो जूता चप्पल पहनते हुए घूमते हुए तो नहीं देखा है हमने। अने? ये देखिए, आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे ये पाया हूँ। सुनिए, आज रात में ही हम ही लोगों को पहरा देना होगा। वह देखिए वो कौन आ रहा है। सही बात है, तो इस बार मजा देखिए। क्या हो रहा है? कौन कौन हो तुम? मैं जग्गू पगला हूँ। तो बेटा राखाल, तुम शर्मा जी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रखकर प्रचार कर रहे हो, तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोड़ूंगा। तो ठीक है भाई, आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भूतहा नाम मिट गया। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है,
क्या बात? रखाल भट्टाचार्य के पास तो बहुत पैसे हैं। अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़िया घर बनवा लेते, तो हमारे इस सामान्य घर को वे दखल करना क्यों चाहते थे? कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते। आप शांति निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाए। इस संसार में जो भी आता है, जिसके पास जितना रहता है वो और चाहता है। राजा भी गरीब जनता का पैसा चुराकर बहुत महान बनता है। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। कल्लू राम, तुम गोपाल को सबक सिखा पाओगे तो? हाँ महाराज, जरूर सकूंगा। क्या पुरस्कार देंगे महाराज? अगर तुम गोपाल को बेवकूफ बनाकर उसके मुंह से यह स्वीकार करवा दोगे कि तुम गोपाल से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो मैं तुम्हें उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं और उसके साथ साथ जमीन जायदाद भी दूंगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो मैं चलता हूँ। प्रणाम। गोपाल को तो बेवकूफ बनाने को कह दिया, पर बेवकूफ बनाऊंगा कैसे? अरे वो गोपाल नजर आ रहा है। रुक जाओ, अभी तुमको बेवकूफ बनाता हूँ। अरे कालूराम, क्या बात है? अरे मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी माँ शायद अब... ये क्या मेरी माँ मर गई? ये क्या हो गया? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। कल्लू ये तुम पकड़ो, मैं घर जाता हूँ, जा रहा हूँ। गोपाल को तो पूरा बेवकूफ बना दिया, अब लाइए मेरा पुरस्कार। शर्त यह था कि गोपाल खुद आकर स्वीकार करे कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, तब जाकर मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। शैतान कहीं का, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा मछली खा लोगे? रुक, सबक सिखाता हूँ। वो आ रहा है, रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। कालू राम, मेरा एक काम कर दोगे? तुम्हारे सर पर मटका रख देता हूँ। महाराज आप देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूँ। देखिए महाराज, गोपाल को आज मैं फिर बेवकूफ बना दिया। वह बोला था यह गुड़ वाला मटका बाजार ले जाने के लिए, और मैं यह मटका आपके पास लेकर आ गया। बेवकूफ कल्लू राम, तुम जिसे गुड़ समझ रहे हो वो गुड़ नहीं। क्या है? सड़ा हुआ गोबर। ओहो, कितना बदबू दे रहा है। क्या दुर्गंध है। महाराज आप बताइए, प्राकृतिक में बुद्धिमान कौन है? जो गलत बातों पर विश्वास करता है वो, या मीठी बातों से जो दुश्मनों को सबक सिखाता है वो? सच में गोपाल, तुम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बोलो कल्लू राम। हाँ जी महाराज। कल्लू राम, ये लो तुम अपना पुरस्कार। गोपाल, ये लो तुम अपने उच्च बुद्धि का पुरस्कार। अब तुम दोनों खुश हो ना? लगता है 3 दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकले, कितना अच्छा लग रहा है ना गब्बू? हाँ ठीक बोला है तू। ओए रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा।
अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ए टब्बू वो देख जेल तोड़कर कैदी कैसे भागे जा रहा है। टब्बू कुछ कर नहीं तो ये शांति नगर अशांति नगर बन जाएगा टब्बू। लेकिन मैं क्या करूं गब्बू, तू कुछ बता तो। अरे यार कुछ तो कर। ठीक है रुको रुको मैं कुछ सोच रहा हूँ। देख चोर अब किसी भी कीमत पे नहीं भाग पाएगा। देख चोर देख तेरे सामने एक लंबा दीवार है, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, अब तुम उस दीवार से टकरा जाओगे। हाँ ये कैसे हुआ? सच में टप्पू आज तुम्हारे वजह से ही इतना खतरनाक कैदी भागने से बच गया। चल थाने में गब्बू, अब हम लोग भी चलो घर चलते हैं। ठीक है चलो। गब्बू हाँ बोलो। सोच रहा हूँ इस बार दिवाली में एक हीरो की तरह में ड्रेस ले लूं। अरे बाप रे बाप, खरीदने में तो बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा तू लाएगा कहाँ से टब्बू? टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं, चलो कहीं से घूर कर आते हैं। चलो तब। हर महादेव। इसकी शक्ल पहचाने पहचान लग रही है। गब्बू मुझे याद आ गया, और देख देख जो उस दिन जेल से भागा था कैदी वो वही है, वो भेष बदल लिया है साधु का। अरे तो वही दोनों लड़के, मैं भागू यहाँ से अपने जम बचा के। सुन सुन तुम जल्दी जाकर पुलिस को खबर दो, अब तक हम उसको फंसा कर रखते हैं। ठीक है। कैदी तो बहुत जोर से भाग रहा है, इसको तो अटकाना होगा। ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा सुनो ना, ओ साधु बाबा। अब मैं कैसे फिर से पकड़ लेंगे लोग? ये तो डोने लगा, इसको कैसे भी ना कैसे करके रोकना होगा। ओह इसको कैसे कैसे रोकूं? एक दिमाग में आइडिया आया। देखो देखो तुम्हारे सामने एक बाइक है, चढ़ो चढ़ो उस पर चढ़ो। ओम टर छुप। अरे यहाँ तो एक बाइक खड़ा है, इस पे बैठ के भाग जाऊंगा तो पुलिस का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा मुझे। ये रहा चोर, नकली दाढ़ी लगाकर सन्यासी बनकर घूम रहा था। चल शैतान थाने में, देखिएगा फिर से न भाग जाए। अब तुम निश्चिंत होकर रहो, चल थाने में चल। चल टब्बू अब हम लोग वापस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कभी से मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूँ। तुम फिजूल कोशिश कर रहे हो, मैं किचन रूम में ताला लगा दिया हूँ, दरवाजा नहीं खुलेगा। फूफा जी नहीं फूफा जी, मैं दरवाजा को खींचकर देख रहा था कि सही से बंद है कि नहीं। सच में क्या? इसका मतलब अभी तुझे भूख नहीं लगा है। ठीक है तो फिर एक्सरसाइज कर ले, जा इस रस्सी को लेकर बाहर जाकर एक्सरसाइज कर ले। ठीक है जा रहा हूँ। कैवा बुंदा तुम इस रस्सी को लेकर कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? देख बिरजू फूफा जी मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोले हैं। रुको बुंदा मैं भी तुम्हारे साथ रस्सी लेकर एक्सरसाइज करूँगा।
और हाँ मिल गया मुझे रस्सी, जा जल्दी लेकर आ। एक्सरसाइज करना बहुत झंझट है बिरजू। हाँ बुंदा, एक्सरसाइज करना बहुत झंझट है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू, चल उस हंदा के साथ एक खेल खेलते हैं। हाँ चलो, बुला बुला हंदा को। ओ ये हंदा, तू हम दोनों के साथ रस्सी खींचने वाला खेल खेलेगा, लेकिन लेकिन तू हार जाएगा हम दोनों से। सच में क्या बोला? चल तू बोला। खींच खींच बिरजू, खींच खींच जोर से, खींच 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 जोर से खींच। बोला पकड़ कर रखना, खींचो तेज और तेज, खींचो खींचो जोर लगा के खींचो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बोला, मैं जब तुझे बोलूंगा तो तू जोर से खींचना। अब तुम लोगों को समझ आएगा। बोलू बोलू जो जोर से खींच। बुंदा तू देखने में सिर्फ मोटा है, लेकिन तेरे में हिम्मत नहीं है। क्यों मेरे साथ लड़ने आता है तू? ओए बिरजू, हंदा के साथ रस्सी खींचने में हार गया, लेकिन एक नया आइडिया आया है। कुछ ही देर बाद हंदा घर जाएगा, तभी हम लोग उसके साथ। हाँ बुंदा, वो ऐसे हम दोनों को हरा दिया, इसका बदला तो हम दोनों को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जरूर लेंगे बदला उससे। चल चल हंदा के पास चल। क्यों रे हंदा, एक और बार खेलेगा तू? उस टाइम तो भुला के वजह से जीत गया है तू। अच्छा, चल बोलू अब और तेज से गिरेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है हंदा, ठीक है ठीक है, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर चल रस्सी खींच, बोलू चल जोर से खींच। ये खींच कर दिखा, तू हमें फिर से हरा पाएगा कि नहीं? हाँ ये क्या, ये तो दरवाजा निकल आया। ये बूंदा तू ये ठीक नहीं किया है। दो रस्सी बंध कर मैं किचन रूम के दरवाजे से बांध दिया था, और तुझे पता भी नहीं चला। फुफा जी मेरे वजह से किचन रूम में ताला लगा दिए थे। ये क्या, मेरे किचन रूम का दरवाजा कैसे टूट गया? तुम दोनों में से कौन तोड़ा है बताओ? फुफा जी, ये हंदा ने तोड़ा ये दरवाजा, ये किचन रूम के दरवाजे में रस्सी बांध कर खींच कर तोड़ दिया। देखिए उसका हाथ में रस्सी है। शैतान लड़के, दरवाजा तोड़ कर खाना चोरी करना चाहता था? तेरा इतना हिम्मत, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। खाना चोरी करना चाहता है तो पीट पीट कर तेरा हड्डी पतली एक कर दूंगा मैं आज। मारेंगे फूफा जी, यहाँ से भागो भागो भागो। मैं कह रहा हूँ रुक जा हंदा, तू रुक जा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ तू रुक जा हंदा, तू रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भागेगा तू कहाँ तक भागेगा? मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, भाग तू कहाँ तक भागेगा।